उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस पर लगातार आरोप लग रहा है। यहां हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष पट्टी कोतवाल पर गंभीर आरोप लगाए। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि ग्राम सभा की जमीन जो कि सरकारी है उसे दूसरे पड़ोसी गांव के हिस्ट्री शीटर द्वारा लेखपाल से मिली भगत कर फर्जी खतौनी बनवा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर लोगों को धमकाया जा रहा है। इसके साथ ही पट्टी कोतवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अनुराग सिंह ने मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायत की लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका जा सका। इसके साथ ही पट्टी कोतवाल पर भी केवल दिखावे की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कहा कि योगी राज में इस तरह की गुंडागर्दी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वाहनी के लोग मुख्यमंत्री से मिलकर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करेंगे। ये ग्राम सभा करायला बसौली का मामला है। यहाँ पर लेखपाल द्वारा कूटरचित दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन ग्राम सभा की समान आबादी की जमीन को लेखपाल तहसीलदार और कोतवाल पैसा लेकर जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। हिस्ट्री सीटर सबीर नाम का हिस्ट्री सीटर है, उसको जमीन कब्जा करवा रहे हैं। योगी सरकार में ये अन्याय कर रहे हैं। डीएम साहब एप्लीकेशन दिए, उन्होंने लिखा, एसडीएम ने लिखा, सब कुछ किया हुआ, फिर वही ढाक के तीन पात, फिर कुछ दिन बाद वो फिर बनाने लगता है। धीरे धीरे पूरी दीवार बना लिया, लिंटर डाल रहा था। तो मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, तब कप्तान साहब ने तुरंत फ़ोन किया, तब जाके उसको पकड़ के ले आए। लेकिन दो दिन बाद फिर कोतवाल ने छोड़ दिया पैसा लेकर। धीरे धीरे कोतवाल कम से कम से 4 लाख रुपये ले चुका है और करीब 2,60,000 रुपये लेखपाल ले चुका है। कूटरचित दस्तावेज बनाया जिसमें तहसीलदार और एसडीएम पट्टी शामिल है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अनुराग सिंह निरंतर अवैध कब्जे की जमीनों में दखल देते हैं और कार्रवाई करवाते हैं। एक बार फिर उन्होंने आवाज बुलंद की है।